एक बात तो मैं कह दूं, इसको लैंड फॉर जॉब, सीबीआई, ईडी वगैरह मत कहिए। मैं समझता हूं सीधे तौर पर ये मोदी जी और अमित शाह जी, इन दोनों ने यह फैसला किया है कि किसी भी विपक्ष के नेता को बंद केस को खुलवाने तक की नौबत आ पड़े तब भी करवाना है। वैसे केसेस में जिसमें क्लोजर हो चुका था उसको खुलवाया जाए। क्यों? क्योंकि जेहन में बहुत चिंता है जॉबिस की। एक इंडिया ब्लॉक बना है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, तो किसको पकड़ना होगा? जो पावरफुल आवाज है। कौन है? तो लालू जी, उनके परिवार के लोग जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं और आपकी राजनीति की को पंक्चर करने की क्षमता रखते हैं। तो जाहिर तौर पर इसको मैं सिर्फ उसी दृष्टिकोण से देखता हूं और कोई दृष्टिकोण है ही नहीं। और महिला जगदीप धनखड़ ने कहा कि ऐतिहासिक। नहीं नहीं देखिए, मैंने कहा था कि ऐतिहासिक दिन सचमुच होता अगर सचमुच प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा था हाल में एक दिन सेंट्रल हॉल में कि कैनवस बड़ा करना होगा, बड़ा नहीं कर पाए, चूक गए फिर प्रधानमंत्री जी। चर्चा महिला बिल पास होने से ज्यादा इस बात की हो रही है कि ओबीसी महिलाओं को, माइनॉरिटीज को क्यों महरूम रखा गया, क्यों दूर रखा गया, क्यों जातिगत जनगणना को लेकर के सरकार का चरित्र संदिग्ध है, आज इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। और मैं जानता हूं प्रधानमंत्री जी की राजनीति को परेशान करने के लिए इतना काफी है। बहरहाल एक ऐसा बिल निश्चित कालखंड में, अनिश्चित कालखंड के लिए, अनिश्चित तिथि के लिए, अनिश्चित वर्ष के लिए ये लोग, यही लोग ला सकते हैं, इन्हें मुबारक। आपसे कहा कि ये संभवतः विश्व इतिहास में पहला मौका है जिसमें एक सरकार जो निश्चित कालखंड में है, अनिश्चित कालखंड के लिए बिना प्रतिबद्धता के, बिना सामाजिक सरोकारों को समेटे हुए ओबीसी महिलाओं का मसला हो, इस बिल को मैं और किस नाम से जानूं? इस बिल के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यह है ना कि इसके अंदर लाने वाले के लिए की नीयत स्पष्ट नहीं है। बहरहाल हम सबने समर्थन दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि इसके चुनाव में लागू करना चाहिए। तमाम लोगों ने ये बात कही सरकार से, तमाम लोगों ने सदन के फ्लोर पे, कि आप क्यों इसको ढुलमुल रवैये से ला रहे हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर सदन की सहमति हो जाए सर्वसम्मत तो उसको रोका जा सके। जाहिर है कि रुकावट अगर आप पैदा कर रहे हैं तो आपके जेहन में खोट तो है, साइज कितना बड़ा है उस खोट का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।